हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी कॉमिक जोन। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी मामले में तेलंगाना बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ पार्टी ने निलंबन की कार्रवाई की है। बता दें कि इस समय वो तेलंगाना पुलिस के हिरासत में है। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। तेलंगाना बीजेपी ने अपने विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी से निलंबित कर दिया है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी मामले में तेलंगाना पुलिस के शिकायत दर्ज करने के बाद हिरासत में लिया था। राजा सिंह के खिलाफ बीती रात प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शन कारियों ने केस दर्ज करने की मांग की थी। बता दें कि ये बयानबाजी का सिलसिला स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से शुरू हुआ था। भाजपा विधायक राजा सिंह ने हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के जूते का विरोध किया था, लेकिन शहर की पुलिस ने उन्हें संरक्षण दिया और उनके शो को सफल बनाया। मुनव्वर फारूकी पर वीडियो बनाते हुए बीजेपी के गोश महल विधायक राजा सिंह ने मुनव्वर को सुअर का मांस खाने को कहा और बाद में मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोलने लगे। भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग को लेकर साउथ जोन डीसीपी कार्यालय और हैदराबाद पुलिस आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने तुरंत धारा 295, 153, 505, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। मौके पर मौजूद मुस्लिम साउथ जोन के डीसीपी कृष्णा चैतन्या को भी धमकाते दिखे कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो अंजाम भुगतना होगा। हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त कार्यालय के विरोध प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।